मैं आप लोग के यहाँ सामने यहाँ पे आई हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग का विदाई समारोह है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी, खास करके हमारे टीचरों को और सभी 11 वाले स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ करने के लिए। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, मतलब ऐसे फ्रेंड्स मिले जो हमको ऐसा मौका दे रहे हैं, बाकी अभी तक ऐसा कुछ हमारे स्कूल में हुआ नहीं था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मेरा जो टॉपिक है वो है शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के बारे में मेरे विचार। तो मैं आप लोगों को शुरू से बताना चाहूँगी कि मेरा शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार रहा है। मैं जब छः में आई थी तो मुझे टीपी समझे थे, वो मैं उनको चिढ़ाती भी थी यहाँ तक, वो सब लोग उनको चिढ़ाते थे, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कितनी हम्बल है, कितने मतलब अच्छे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक बच्चों को इतना प्यार से रखते हैं। और मेरा सभी भी टीचरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहा है, जैसा मैं केस सर के साथ और प्रीति मैम के साथ बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैंने आपसे थोड़ा बात की, इस सब के उम्मीद करते थे, तो मुझे उतना पता नहीं था, फिर धीरे धीरे अभी समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया है। अगर मैंने इस स्कूल से सीखा है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना तभी वो आपको देंगे, अगर मैं अभी अपने टीचरों को रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो मुझे कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। इसलिए मैं बहुत बहुत मैम सभी टीचर, मेरी मैथ शुरू से बहुत कमजोर रही है, लेकिन आते आते अभी थोड़ा बहुत ही बहुत सुधार हुआ है मेरी मैथ में। इंग्लिश वाली मैम है अर्चना मैम, वो तो इतनी सीधी है कि बच्चे आते हैं पढ़ाते हैं तो वो आते हैं, बच्चे कुछ लोग खांसी आते रखती हैं उन लोगों को, मैम चली जाती है, फिर उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, तो मैंने बहुत सारी गलती की बीच में, तो इशू है। और सुशील सर है, मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे स्कूल में, एक प्राइवेट टीचर होने के नाते साथ साथ पीरियड पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है, थक जाने के बाद वो हम लोगों को पढ़ाते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि बीच में रुकते हैं, वो पढ़ाते ही रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे सभी दोस्तों को कि आज हम लोग जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ हम लोगों को बुलाइएगा दोबारा, कुछ ऐसा मौका दीजिएगा, और 11 वालों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।